हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमारी कमर ही नहीं है इस बात में, बीच में नहीं बैठ सकते। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में, नहीं बैठ सकते। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेलें शिफ्ट कर दी गई हैं। आजम को सीतापुर जेल भेजा गया है तो अब्दुल्ला को हरदोई जेल। देर रात हुई इस शिफ्टिंग में अब्दुल्ला आजम को प्रिजन वैन से भेजा गया, वहीं आजम खान को बुलेरो गाड़ी से ले जाया गया। इस बीच अब्दुल्ला को जाते हुए देख रहे आजम खान ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में आजम को भी प्रिजन वैन से ही ले जाने की तैयारी थी, मगर बीमारी का हवाला देकर और एनकाउंटर की बात कहकर उन्होंने इसमें बैठने से मना किया। फिर पुलिस वालों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई। हालांकि आजम को शिफ्ट कराते समय उनके गाड़ी में बीच में बैठने को लेकर के भी पुलिस वालों के साथ कहासुनी हो गई, जिसमें आजम खान ने यहां तक कह दिया कि चाहे तो मेरे हाथ पैर तोड़ कर ले चलें। एक थोड़ा आगे की सीट आगे कर ले, सीट आगे कर ले, मेरी बैठ पाएंगे भाई, बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बीच में नहीं बैठ, नहीं बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमें तुम्हारा आदमी नहीं, नहीं हमारी कमर ही नहीं है इस शादी में, बीच में नहीं बैठ सकते। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग काफिलों से रामपुर जेल से शिफ्ट किया गया। जब आजम खान को रामपुर जेल से बाहर लाया जा रहा था तब उन्होंने मीडिया को देख करके कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। बता दें कि दो जन प्रमाण पत्र मामले में MPMLA कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उनको जेल भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस रामपुर जेल लेकर के गई। शुरू में ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। फिर सुबह सवेरे आजम खान को लेकर पुलिस सीतापुर जेल पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम को लेकर प्रिजन वैन हरदोई जेल पहुंची। इसके अलावा आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा को शासन ने रामपुर की जेल में ही रखने का फैसला लिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।